गुड मॉर्निंग। अभी से ब्लॉग स्टार्ट किया है मॉर्निंग का। आशीष चले गए, कृष्णा चला गया है। मेरी रात में नींद पूरी नहीं हुई थी, प्रोडक्ट्स बनाए थे, तो मैं अभी बिल्कुल भी नहाई वहाई नहीं हूँ। तो जो चीज़ें रियलिटी हैं वही चीज़ आपको हम बताते हैं, बिकॉज मेरे पास बहुत काम होता है। तो रात में बहुत देर तक प्रोडक्ट बनाया था, फिर सुबह उठ गई थी मैं 7 बजे। फिर ब्रेकफास्ट में पराठे बनाए थे, भिंडी की सब्जी, और आशीष लेके चले गए हैं। कृष्णा को एप्पल और पपाया खिलाया था, वो भी स्कूल जा चुका है। लाडो सो गई है ना, तो मैं भी 1 घंटा सोऊंगी। और मैंने ना पैक बना के रख दिया है, पैक लगाऊंगी। और आप लोग मेरे फेस में ना इम्प्रूवमेंट देखते रहना धीरे धीरे। और मुझे जाना है लखनऊ, तो मेरे भाई के बेटे का बर्थडे है, तो 7 अक्टूबर को है, तो मैं जाऊंगी। उससे पहले मुझे ना बहुत सारे अपने काम निपटाने हैं, तो वो निपटा करके ही जाऊँगी मैं। तो जब जाऊँगी तो मैं आप लोग के साथ में सारा डेटा शेयर करूँगी। बहुत सारी शॉपिंग वॉपिंग करी थी मैंने, अपनी ड्रेसेस वगैरह बनवाई थी, वो सब दिखाऊँगी। और मेरे पास में दूसरी मेड आ गई है, हाउस हेल्पर आप लोगों की लैंग्वेज में। देखिए, जिसके ज़बान पर जो चीज़ें होती हैं उसके मुंह से वही चीज़ निकलती है, तो इस चीज़ को आप लोग गलत मत ले जाइएगा। हम आपको कुछ सिखा रहे हैं तो हम आपसे भी कुछ सीख रहे हैं, बाई मैसेज बाई कमेंट के थ्रू, है ना। आप लोग ने बोला कि दीदी आप मेड मत बोला करो, हाउस हेल्पर बोला करो, तो फिर मैं वही बोल रही हूँ, ठीक है। तो मैं अपने आपको भी एक नया लुक दूंगी, हेयर स्टाइल वगैरह चेंज करूँगी, थोड़ा सा हाईलाइट तो नहीं करूँगी, बट हाँ कटिंग करूँगी। बट वैसे मैं ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जब बालों की कटिंग कर लेती हूँ, तो सामने फेस पर आते हैं अच्छे नहीं लगते, तो मैं बहुत ज़्यादा देर तक बात नहीं करूँगी। दिखा देती हूँ कि प्रोडक्ट कौन कौन से बनाए थे मैंने और कौन कौन से प्रोडक्ट निकल गए हमारे, ठीक है। तो आप लोग वो एक बार देख लीजिए, और इसके बाद से ना मैं थोड़ी देर सोऊँगी, फिर उठूँगी, उसके बाद पैक लगाऊंगी, ठीक है, बाय। तो देखो पार्सल जो रेडी हुए थे वो दिखा देती हूँ एक बार। ये रेडी किए हैं पार्सल, थक जाते हैं यार, बहुत सारा काम होता है ना, थक जाते हैं। और मैं बनाऊंगी लेवेंडर का जेल अपने बालों के लिए, जो कि मैं लखनऊ लेके जाऊंगी, क्योंकि उनके यहाँ बर्थडे भी है और रामायण भी है, तो 2-3 दिन रुकना पड़ेगा। ये लेवेंडर का हेयर ग्रोथ जेल बनाऊंगी, जो कि इजीली 15 से 20 दिन चल जाता है। और हम जब जाएंगे तो गाड़ी से ही जाएंगे, अपनी ही गाड़ी से, अपने ही व्हीकल से। तो क्या होता है कि मैं अपना लेके चली जाऊंगी, हैवी हेयर पैक नहीं लगेगा, तो रात में कम से कम एटलीस्ट जेल लगा करके तो सो सकता है बंदा। और रोजमेरी का तो दोनों ही अलग अलग बनाऊंगी और एक साथ में बनाऊंगी, तो मतलब मिक्स एलोवेरा मिक्स रोजमेरी एंड लेवेंडर का। और एक बनाऊंगी लेवेंडर का अलग सिंपल, और एक बनाऊंगी आपका रोजमेरी का सिंपल। और मैंने ना अपना हेयर मास्क बना के रखा हुआ है, ये तो ये लगाना है मुझे, मैं सो के उठूँगी तब लगाऊंगी। तो चलो मिलती हूँ, और मैंने कुछ चीज़ें मंगाई हैं मीशो से, तो जैसे ही आ जाती हैं तो फिर मैं शेयर करूँगी। कुछ मैंने रविता के लिए मंगाया है, और उसके सामने जब मैंने ओपन किया था तो मैंने बोला था कि मैं मम्मी को दूँगी अपने, तो वो सोच रही थी कि शायद दीदी मम्मी को देंगी, बट उसके पास कपड़े नहीं है, तो मैंने सोचा मैं उसको दे देती हूँ। दिखाती हूँ आप लोगों को, मिलवाती हूँ उससे। रविता 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 सबको है बोलो। देखो इनके बालों का ट्रीटमेंट भी मैं दे रही हूँ, जब इनके बाल अच्छे हो जाएंगे तो आपके साथ में शेयर करूंगी। कब तक काम करोगे मेरे पास? 6-7 महीना करेंगे, खूब करेंगे, जब तक कर पाएंगे। जब लोग कर पाएंगे तो खूब ही करेंगे। तो अब रविता मेरे पास में है, तो चलो मैं ना जा रही हूँ सोने, सो के उठूँगी फिर आप लोगों से कंटिन्यू करूँगी, ठीक है, बाय। कुछ पार्सल्स निकल रहे हैं, ये बड़े बड़े पार्सल हैं आउट ऑफ कंट्री के, ये छोटे पार्सल इंडिया के हैं, जिसको जैसा मंगाना होता है उस हिसाब से। और ये हमने बनाए हैं, बहुत मेहनत लगती है, कल बनाए मैंने इनको, हम देखते हैं कब निकलेंगे। ऑर्डर बहुत लगे पड़े, पैकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। सो गाइज, यहाँ पर ये जो हमारी हाउस हेल्पर नई आई हैं, उनके बालों की कटिंग करूँगी मैं यहाँ पर। और शुक्ल पक्ष चल रहा था तो ही मैंने इनकी कटिंग कर दी है, हो गया इनको 20-25 दिन हमारे यहाँ। मतलब ये आई थी हमारे पास में 12 सितंबर को, और 12 सितंबर से आज इनका हो गया है हमारे पास में, आज है 22 तारीख, 22 सितंबर। तो यहाँ पर मैंने इनकी कटिंग कर दी है, और अच्छे से मैंने इनको एक ऑयल भी बना करके दे दिया है। तो मैंने कहा कि ये तुम ना ऑयल यूज़ करना इनको, मैंने मतलब वही जो अपना मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ वही दिया हुआ है, क्योंकि देखो यार जितना हमसे हो पाएगा हम उतना ही ना करेंगे, तो बस वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पर इनके बालों की मैं कोशिश करूँगी इनके बाल अच्छे हो जाएं। ये कहती दीदी मैं ना तो कहीं नहीं जाऊँगी, बस मेरे बाल तुम अच्छे कर दो। तो
है ना। तो बस मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, जितना मेरे से होगा मैं उतना तुम्हारे लिए करूँगी, बिल्कुल करूँगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अभी ये मैं जो जो चीज़ें मैं लगाती हूँ, जैसे कि मेरा हेयर पैक है या फिर हेयर ऑयल है, वो चीज़ें मैं इनको दे देती हूँ। देखो रिंस वाटर, टोनर, शैम्पू, सब चीज़ें देना पॉसिबल नहीं है। अब कुछ लोग मेरे को यहाँ पर बोलेंगे क्यों नहीं है, क्यों नहीं दे सकती हैं, तो देखो आप लोग को लगता है तो आप लोग दे देना, मैं आप लोग को बता दूँगी, ठीक है। फाइनली मैं फ्री हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ पैक लगाने के लिए। अभी जस्ट आप लोग के साथ में रील्स शेयर करी हैं, कृष्णा आ चुका है, लाडोस हो चुकी है, तो मुझे लगाना है पैक, तो मैं पैक लगा लेती हूँ और उसके बाद से ब्लॉग को एंड करेंगे, है ना। तो मैं आप लोग को पैक दिखा देती हूँ एक बार अपना। देखिए ठीक है, तो मेरा ना हमेशा फिक्स रहता है, कल मैं नहीं लगा पाई थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही ना, मुझे स्टोन है तो मेरा ऑपरेशन होना है, तो अभी मुझे जाना है लखनऊ, वहाँ से आकर के फिर मैं ऑपरेशन कराऊंगी, बिकॉज भाई के बेटे का बर्थडे है, बाकी तो अभी टाइम है, 7 अक्टूबर का उसका बर्थडे होता है, तो देखते हैं, पहले से प्लानिंग नहीं करनी चाहिए बट फिर भी कर रही हूँ क्योंकि इतनी सारी शॉपिंग करी तो जाना है, बाकी माता रानी जो चाहेंगी वो होगा, तो जाएंगे तो आपके साथ में वीडियोस आएंगे, नहीं जाएंगे तो भी आप लोग के साथ में वीडियोस आएंगे। बाकी हाँ ऑपरेशन जब कराऊंगी तो 3 दिन का वो बता रहे थे कि एडमिट करेंगे और 3 दिन के बाद ही डिस्चार्ज होगा, तो देखते हैं ठीक है। तो चलो मैं पैक लगा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ, क्योंकि लाडू का कुछ पता नहीं है कि वो कब हो जाए, ठीक। और आप लोग के साथ में ना मुझे एक चीज़ और शेयर करनी थी, वो ये है यार, ये ऐसी कोम्ब है ना, इतनी सॉफ्ट है, देखो आप लोग इस पर इतना भी रगड़ती हूँ मैं, बिल्कुल भी ना स्कैल्प पे चुभ नहीं रही है, इतनी अच्छी है। इसका लिंक दे दूंगी मैं आप लोग को, ये ऐसी वैसी शॉप से और आपको मीशो से बिल्कुल नहीं परचेज करना है, अच्छी जगह से लीजिए, एकदम सॉफ्ट ही। देखो आप लोग इसका दांत देखो, देख रहे हो आप, बालों की ग्रोथ ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छी है। तो चलो मैं पैक लगा कर फिर मिलती हूँ। मैंने ना ये वाला कुर्ता मीशो से मंगाया था, एक तो मैंने अपने लिए रख लिया, 3 मंगाया था मैंने, और एक ये मंगाया था ये वाला, अब मैं फोन उठा रही हूं, अभी रुको उसे फोन कर रही हूं, एक ये मंगाया था, इसके साथ में पैंट भी है और ये कुर्ता भी है, ठीक है। तो ये दोनों मैं ना दे रही हूँ रविता को, और मैंने रविता को और भी चीज़ें दी हुई थी क्योंकि ना उनके पास कपड़े थे नहीं, वो टॉप वगैरह पहन कर आती थी, इसलिए। रविता बाल दिखाना अपने, रविता ने भी देखो पैक लगाया था, मैंने लगाया था इनके, इतने सॉफ्ट स्मूथ, सामने से दिखाना, ऐसे करो नीचे डाउन करो सर, देखो कितनी मांग चौड़ी है, धीरे धीरे होगा केयर, ठीक है, प्रॉपर नहीं हो पाएगा बिकॉज सब कुछ चीज़ें नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि रिंस वाटर, टोनर, शैम्पू, जितना हो पाएगा हम सब उतना करेंगे। ये लोग सूट अपना, ठीक है, और आप कल टाइम पे आना 8 बजे, ठीक है, अब आप जाओ। सो गाइस मैं मिलूँगी आप लोगों से थोड़ी देर में, लाडो खेल रही है, लाडो बाय कर दो, गिल 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 गिल। चलो गाइस मिलती हूँ थोड़ी देर में, मैंने हेयर वॉश कर लिया है, कुर्ता तो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे डेली वेयर के लिए, तो बहुत अच्छा है। कृष्णा को लेने अभी चल रहा था शूट, जो वीडियो हम लोगों ने अभी शूट कर ली है, जल्दी जल्दी मैं आप लोग को छोटा सा मिनी ब्लॉग शेयर करूँगी। तो अभी आई हूँ मैं कृष्णा को लेने के लिए, भी लेकर जाती हूँ फिर मैं लूँगी, ठीक है। रिवाना कैसी, हाय एवरीवन, सी एवरीवन, हाय, आ चुका है, इसको कपड़े निकाल करके मैंने पहना दिए हैं और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा अपना ज्वेलरी निकालने के लिए, इसको पपाया काट के दे दिया है, पपाया खाएगा अभी, हम लोग आते हैं आप लोगों को। सो गाइस चिकन शूट के लिए भी मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये वाला सूट पहना हुआ है क्योंकि मैंने निकाला हुआ था बाहर, तो ये पहन लिया। कृष्णा को दिखाते हैं, कृष्णा यहाँ पर एप्पल पपाया खा रहा है और गेम देख रहा है, लाडो यहाँ पर देखो कैसे सोई है, पूरा मेकअप करिए। चलो शूट करके फिर मिलते हैं। सो गाइस फाइनली एक सूट हो चुका था इस वाले ड्रेस में, तो फिर मैंने यहाँ पर जुड़ा बना लिया था, जुड़ा बनाने के बाद से मैं यहाँ पर कुछ लोगों की पेमेंट्स आई थी उनको आंसर कर रही थी और कुछ लोगों के प्रोडक्ट्स रिसीव हो गए थे, वो उनको बता रही थी कि कैसे क्या यूज़ करना है। और अभी मैं ना लाडो को फिर से गंजा कर दूँगी क्योंकि लाडो के बाल जैसे मुझे चाहिए वैसे नहीं आए हैं और इसके लिए तो हर एक कोशिश पूरी करनी है, इसके बाल बहुत मोटे और घने करने हैं मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैम का ना पार्सल रिसीव हो गया था, तो मैम को यूज़ करने का तरीका बता रही थी मैं, तो बस बहुत सारे काम होते हैं ऐसी ही, सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती, मेहनत करनी पड़ती, किसी को मेरे डेली रूटीन्स का अपडेट चाहिए था इसलिए मैंने यहाँ पर शेयर किया आप लोग के साथ में। अब यहाँ पर लाडो और कृष्णा खेल रहे थे, मैं इनको ऑरेंज वगैरह खिला रही थी और उसके बाद से पपाया वगैरह, उसके बाद से हमने यहाँ पर चाट बनाई थी कॉर्न की। और मैं ना जब शूट वूट करती हूँ ना तो बहुत ही हेल्दी चीज़ें मतलब प्रेफर करती हूँ खाने के लिए और सभी के लिए, जो भी लोग आते हैं सबके लिए ही मैं सोचती हूँ कि जो हम खा रहे हैं वही खाएंगे। कोई भी कंप्लीट हुआ है, मेरी बेटी आ गई मेरे पास, देखो मेकअप कर लाया, सब कुछ कर लेती हूँ, जस्ट खत्म हुआ है, एक शूट खत्म हुआ है तो इनको खाना खिला दूँ और उसके बाद लाडो
सो यहाँ पर हमारा शूट हो गया था, दूसरा वाला था जहाँ पर बच्चों को मैंने दाल रोटी खिलाई थी और हम लोगों ने अपने लिए बनाई थी सब्जी, क्योंकि कृष्णा और लाडू सब्जी नहीं खाते हैं तो इनको मैं रात में स्टफ पराठा दे देती हूँ वेजिटेबल वाले। अब यहाँ पर कृष्णा को रेडी कर दिया था मैंने ट्यूशन के लिए, तो उसको मैं ट्यूशन के लिए देती हूँ जैसे कोई भी फ्रूट्स जिसमें विटामिन सी ज़्यादा होता है वो, और लाडू खुद खा रही थी। खत्म हो चुका है, बिल्कुल थक गए हैं, अब मैं जा रही हूँ कृष्णा को ट्यूशन से लेने के लिए, फिर मिल आ करके उसको लेकर के आऊँगी, फिर उसके बाद मिलती हूँ। ट्यूशन से आगे आइए, अब ये यहाँ पर मैंने ना अपने बालों में लगाया था मास्क वर्डुक का, तो बर्डॉक रूट्स का जो हेयर ग्रोथ सीरीज मैं आप लोगों के साथ में कर रही हूँ ना, वही सीरीज मैं खुद भी फॉलो कर रही हूँ, और आप लोग देख सकते हैं बालों में थिकनेस, बालों में लाइटिंग, बालों में कितना भारीपन आया हुआ है। पहले के बाल में और अब के बाल में काफ़ी डिफरेंस है। मुझे पर्दे के जैसे बाल चाहिए थे लाइक कर्टन, वैसे ही मेरे बाल होना शुरू हो गए। अभी मैंने यहाँ पर ना चोटी भी बनाई है, वो चोटी भी आप लोग को शो करती हूँ, ये तो खुले बालों की है। तो आप लोग ना मेहनत करोगे तो सब कुछ मिलेगा, बस मेहनत करना होता है। तो ये देखो मेरे यहाँ पर ये तेल लगे हुए बाल हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे बाल ये सूखे हैं या फिर वैसे मतलब ऑयल लगे हुए बाल नहीं है, ये ऑयल लगे हुए बाल हैं। आप सोचो जब ऑयल लगे हुए बाल इतने अच्छे लग सकते हैं, तो फिर जब आपके बाल जब आपके बालों में ऑयल ना हो तो आपके बालों का कितना अच्छा लुक आएगा। तो गाइस बहुत मेहनत लगती है, तो ये ब्लॉग हमारा मिक्स मैच करके है तीन चार दिन। कैसे हैं आप सब, वेलकम टू माई ब्लॉग चैनल। अभी से ब्लॉग स्टार्ट किया है और बहुत मैसी हो जाता है घर, लोगों को ये लगता है कि मेरे पास कोई काम नहीं है, और ये ब्लॉग मैं पूरा एडिट करके आपके साथ में शेयर कर दूंगी। एक्चुअली क्या है कि मैं दो तीन दिन से व्लॉगिंग कर रही थी, ठीक है, तो व्लॉगिंग करते करते मैंने कहा चलो आप लोग के साथ में एडिटिंग का टाइम नहीं मिलता यार, सच बताऊँ तो बस आज ना इसको कोशिश करती हूँ एडिटिंग करके डाल दूँगी। और ये लिपस्टिक आए हैं नए, तो आप लोग को स्वॉचेस देखने हैं तो बता दीजिएगा, दिखा दूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, और नहीं देखने तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो दिखाती हूँ आप लोग को, मेरा एवोकाडो हेयर मास्क रेडी हो चुका है, यूज़ करूँगी मैं। गजब की थिकनेस आ रही है बालों में यार, मतलब केयर करके ना। क्या हुआ भैया ने मारा है, कैसे मारा है, कैसे मारा भैया ने, हाँ बेटे को मारा, मम्मी हो गई, आंटी के पास जाओ, रबीता आंटी के पास जाओ, बोलो आंटी ऐसे नहीं पीते, रबीता लाडू को पानी देना, इनकी पानी की बोतल भर के रख दो, मैं ना इनकी पानी की बोतल ही भर देती हूँ, जब पानी मांगते तो उनको दे देती हूँ मैं, जाओ। तो गाइस पैक बन गया है, बच्चों को नहलाने जाना है मुझे, तो बच्चों को नहलाऊंगी मैं, ठीक है, चलो मैं इसको पानी दे दूँ पहले। सो गाइस चलो मैं ना पैक वैक लगा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। देखो कितना घर का तबाड़ा करते थे, देख लो ये लड़का ना एक काम नहीं करता, इवन एक गिलास पानी लेकर के नहीं पिएगा अपने हाथ से, और पूरा किचन तितर बितर हुआ, सारा समेटना पड़ेगा मुझे ही। चलो गाइस मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। रबीता एक काम करो, भैया का जूता और ये बेल्ट हटा लो, ठीक है, ये मखाने इनको बिल्कुल खाने के लिए मत देना क्योंकि जमीन पे गिरे हैं, तुम ना मखाने बर्बाद करो, दो दो सौ रुपए के मखाने आते हैं, पता नहीं है तुमको अभी इतने बिगड़ गए हो तुम। सो गाइस चलो मैं ना पैक लगा देती हूँ, फिर मिलती हूँ। एक पैकेट मखाना पूरा गिरा दिया, इतने महंगे हो रहे हैं मखाने, तो कल ये मानता नहीं ना, ये इतना जिद्दी है ना मेरा बेटा कि मतलब हद से ज़्यादा जिद्दी है, हद से ज़्यादा। मेरा वेट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्यों बढ़ रहा है पता है आप लोग को, ऑपरेशन होना है मेरा, ऑपरेशन नहीं करा पा रही हूँ मैं अभी, क्योंकि अभी टेस्ट होगा, टेस्ट होने में टाइम लगेगा, ब्लड टेस्ट होगा, बॉडी में मेरे क्या चीज़ की डेफिशिएंसी, क्या चीज़ नहीं है, वो सारी चीज़ें। वर्कआउट बिल्कुल मना कर दिया है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, इसलिए फैट इकट्ठा हो रहा है, देखो आप लोग कितनी मोटी हो रही हूँ मैं, ठीक है। तो वर्कआउट नहीं कर सकती हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं वर्कआउट करूँगी तो मेरा जो स्टोन है गॉल ब्लैडर में वो इधर उधर डिस्टर्ब होगा, तो फिर पेन होना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर ने बोला कि अगर आपके 15-20 दिन निकल जा रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, इतने टेस्ट हो जाएंगे, रिपोर्ट्स आ जाएंगी, उसके बाद ही हम लोग इसको छेड़ सकते हैं, निकाल सकते हैं स्टोन को, तो देखते हैं कब होगा। बाकी मैं अभी बेटर फील कर रही हूँ, बट हाँ सांस फूल रही है मेरी, और फैट आप लोग देख ही रहो, चलो वो तो खैर मेंटेन हो जाएगा, जब हम लोग चाहेंगे तब हो जाएगा, क्योंकि काम करने के लिए जुनून होना चाहिए और बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में, बाय। सो गाइस कृष्णा और लाडू को नाश्ता वाश्ता करा दिया था मैंने, और अभी मैं यहाँ पर लाडू को फीड करा रही हूँ, पैक लगा लिया है मैंने, देखिए आप लोग, ठीक है। और अब मैं इसको सुलाऊंगी, और अभी मेरे को शूट करना है, तो अभी खाने में बनाऊंगी आज आलू और टमाटर की सब्जी और पूरी। तो सब्जी के लिए मैंने बोल दिया है कटिंग वटिंग करके रख देंगी रविता, और उसके बाद से मैं सब्जी छौंक दूंगी, पूरी वो खुद बना लेंगी और रायता बनाऊंगी, ठीक है। और अब मैं जा रही हूँ शूट करने हेयर वॉश करने के बाद से, तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ बाद में। संडे बहुत ज़्यादा शेड्यूल बिजी रहता है, तो आज हम लोगों का जो 10-12 वीडियो है वो शूट होंगी, देखते हैं कितनी हो पाती हैं, क्योंकि प्रोसेस भी होता है, मेकिंग भी होती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर ड्रेस चेंज कर करके कपड़े भी पहनने होते हैं, फिर चेंज भी करना होता है, फिर उस हिसाब से ज्वेलरी मेकअप सब कुछ करना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल है। तो चलो आज का ब्लॉग
यहीं पर एंड करते हैं। आई होप अच्छा लगा होगा। कंटिन्यू आप लोग चाहते हैं तो इसके आगे कंटिन्यू करूँगी। अभी मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, आप लोग देखिएगा बताइएगा कैसा लगा। बाय।